Assalamu alaikum. How are you all? This is Sara Khurram, an educationalist and a teacher, and I do conduct live sessions, as you must know, and I take interviews of professional and experienced people just to know their struggles and achievements. So today I just want to invite a lawyer. She is an advocate. The person to whom I'm just calling for an interview today is Advocate Fatima. So I'm just going to invite Fatima, and she has been working for cyber harassment, and we are just going to know much things when we will just talk each other. So I'm just going to invite her, and inshallah when she'll be with us, ask questions. Let me invite her and then I'll just talk to you. Fatima, if you are watching me, please comment me so that I can just invite you. I have just sent. Fatima, I'm not able to just invite you. I don't know why, what's happening. Could you please reconnect? Assalamu alaikum. Hello, Sara. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, kaisi hain aap? Theek alhamdulillah, aap kaisi hain? Alhamdulillah, I'm fine. Good, thank you so much for taking our time for my interview. Thank you so much, it is my honor. Thanks ki aapne mujhe invite kiya aur is topic pe baat karne ka mauka diye. Ye aisa topic hai jiske upar baat karne ki bahut zyada ashad zarurat. सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना खुद इंट्रोडक्शन दे डिटेल में कि आप जैसे यू आर अ लॉयर एंड आप साइबर हरासमेंट एंड इस पे काफी साइबर क्राइम पे काम कर रही हैं, तो डिटेल में थोड़ा बताइए कब से कर रही हैं और ह्यूमन राइट्स, यू आर अ ह्यूमन एक्टिविस्ट एज वेल, तो प्लीज आप मुझे थोड़ा सा इस बारे में बताएं. सॉरी वो इंटरनेट का थोड़ा इशू है, मुझे दोबारा बताइएगा आपने क्या क्वेश्चन किया मेरे से. ओके, आई एम जस्ट आस्किंग कि आप जो है अपना इंट्रोडक्शन खुद से भी दीजिए कि आप जो साइबर हरासमेंट साइबर क्राइम पे जो काम कर रही हैं, जो भी है, तो कितने टाइम से कर रही हैं और कितने केसेस आपने सॉल्व किए अब तक. ओके श्योर, मेरा नाम फातिमा तुजारा बट है, आई एम इस्लामाबाद बेस्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड लॉयर, और जो केसेस से मैं डील करती हूँ वो साइबर क्राइम से, और साइबर क्राइम से पर्टिकुलरली जो मेरी जिस फील्ड में मैं काम कर रही हूँ वो साइबर हरेसमेंट है. ठीक है, साइबर हरेसमेंट एंड वर्क प्लेस हरेसमेंट, इन दोनों के केसेस को मैं टेकअप करती हूँ. अगर आप साइबर हरेसमेंट की बात करते हैं तो हमारे जितनी भी यंग जनरेशन है, चाहे लाइक अगर आप एज की बात करें तो 16 अबव की जो एज है उन सब के पास इंटरनेट का एक्सेस है. तो वो जो लोग हैं, चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं, ये यंग बॉयज की भी अगर बात करते हैं, तो जब वो इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि उनका जो प्राइवेट डेटा है, फॉर एग्जाम्पल कोई इनकी पिक्चर्स हो सकती है, वीडियोस हो सकती हैं, जो उन्होंने सिर्फ अपने तक, मतलब कुछ लिमिटेड लोगों तक शेयर की होती है, बट जिन लोगों को आप वो शेयर कर रहे होते हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि वही लोग उन पिक्चर्स वीडियोस को बेस बना के आपको हरास करना शुरू कर देते हैं. तो जो ये इस तरह की हरासमेंट होती है उसको हम साइबर हरासमेंट कहते हैं, और जो हमारी यंग जनरेशन है वो इसकी वाकई विक्टिम बनती हुई नजर आती है. जी, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी डिटेल में हमें बताया. अच्छा, आजकल तो ये चीज़ें बहुत देखने में आ रही हैं, आप जब इस पे काम कर रही हैं तो इसका
कोई हल है, कोई सोल्यूशन, कोई कंट्रोल? क्योंकि ऑब्वियसली जो यूथ है, एक क्यूरियोसिटी होती है और चीजें, ऑब्वियसली यूथ इसमें इन्वॉल्व होती है, या फिर वो जो जो एग्जैक्टली गैंगिंग होती है, अ पर्सन नोज बाय हिज कंपनी, तो फिर वो बुरी सोहबत में बैठ के बच्चे जो है, जैसे टीन एजर्स स्पेशली, और फिर अडल्ट में भी ऑब्वियसली, लेकिन इसका क्या सोल्यूशन है? क्योंकि तो इस बारे में आप थोड़ी सी हमें बताइए कि इंसान कैसे प्रिकॉशंस क्या करे कि वो बच सके इन चीजों से, क्या नो हाउ होनी चाहिए, नॉलेज क्या हो लोगों के पास इस चीज से ओके रिलेटेड? श्योर. अगर हम बात करते हैं ना कि इसके ऊपर मतलब कोई लॉज वगैरह एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो 2016 से पहले पाकिस्तान में ऐसा लेजिस्लेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट भी इतना कॉमन नहीं था. बट करें या 2-3 सालों की बात करें तो जो इंटरनेट पैकेजेस हैं वो इतने सस्ते हो गए हैं कि इवन जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उसकी भी पॉकेट मनी इतनी इनफ होती है कि वो मंथली पैकेज करा सकते हैं. ठीक है, तो मतलब बहुत ही चीप है, लाइक 100 रुपीज कॉल्स कर सकते हैं, फेसबुक यूज कर सकते हैं. तो जैसे जैसे ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी हर किसी के एक्सेस में आई है, स्पेशली यंग जनरेशन में, अगर मैं स्कूल कह रही हूँ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की बात करूँ, ये तो उनके पास तो अब इंटरनेट का हर वक्त एक्सेस होते हैं. बट अगर टेक्नोलॉजी को आप यूज कर रहे हैं और अगर आप उसको बहुत ज्यादा यूज करें तो ऑफकोर्स उसके कुछ मिस यूजेस भी हो जाते हैं. अब हमारी जो यंग जनरेशन है वो अपनी सेल्फीज बहुत ज्यादा लेती है, ठीक है, और उसके अलावा फिर उनके रिलेशनशिप्स भी ऑफकोर्स होते हैं. तो वो जो अपनी सेल्फीज होती हैं या जो मतलब कोई भी उन्होंने अपनी पिक्चर पिक्चर्स कैप्चर की होती हैं वो शेयर कर रहे होते हैं. अब हम जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, लाइक पाकिस्तानी सोसाइटी की आप बात करें, तो हमारी पाकिस्तानी सोसाइटीज में इस तरह के रिलेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है. बहुत ही कोई मतलब माइनॉरिटी में लोग हैं, लाइक 1%, बल्कि वो भी नहीं एग्जिस्ट करते कि जो इस तरह के रिलेशंस को एक्सेप्ट करें. अब जो लड़के लड़कियां साइबर हैरेसमेंट के विक्टिम्स तो मोस्टली यंग जनरेशन ही बनती है. अब जब उनके रिलेशंस एक बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहे थे, बट एक स्टेज पे आके अगर वो रिलेशन खराब होते तो उनका जो नेक्स्ट पार्टनर होता है ना, वो जो पिक्चर्स उसने ट्रस्ट करके शेयर की होती है उसी को बेस बना के उसको हरास करना शुरू कर देते हैं. क्योंकि देखिए, हमारे, मैंने आपको पहले भी बताया कि फैमिलीज तो इस चीज को एक्सेप्ट करती ही नहीं है कि जी इस तरह के रिलेशन होने चाहिए. और अगर बच्चों को जब ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती है कि उनको हरासमेंट हो रही होती है, तो फैमिलीज भी उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती. ठीक है, ये हमारा माइंडसेट है सोसाइटी का, क्योंकि मैं तो डेली बेसिस पे इस तरह केसेस से डील करती हूँ. अब मेरे पास जितनी भी अगर फीमेल्स की बात करें, वो आती हैं जी कि हमने पिक्चर्स शेयर की थी, या हम कहीं मिलने के लिए गए थे, हमने वहां पे पिक्चर्स बना ली. अब वो जो हमारा पार्टनर था, एक्स पार्टनर की बात करें, वो हमें ब्लैकमेल करता है, बाप बताए हम क्या करें, हम फैमिली को भी नहीं बता सकते. तो इस तरह के इश्यूज होते हैं. और अगर लेजिस्लेशन की बात करें, 2016 में पाकिस्तानी जो पार्लियामेंट है उसने लॉज पास किए, क्योंकि ये इस तरह के क्राइम्स बहुत ज्यादा हो रहे थे. और लॉज हमेशा ही उस वक्त पास होते हैं जब लोगों को इश्यूज फेस करने पड़ रहे होते हैं ना, तो फिर उसके लिए लेजिस्लेशन बनती है. तो 2016 में इसको मतलब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक लॉ पास कराया जिसको प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट कहते हैं. अब दिस इज द ओनली लॉ जो इस तरह की हरासमेंट को रिकग्नाइज भी करते हैं. फिर उसमें बताते हैं कि इस तरह की हरासमेंट की काइंड्स क्या होंगी, इसके अंदर पनिशमेंट्स क्या होंगी, इसका ट्रायल कैसे होगा. तो हमारे पास लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो 2016 में पास हुआ था. गुड, ठीक है, थैंक यू सो मच, इतनी इन्फॉर्मेशन दी आपने. अच्छा, एक और चीज़ देखी गई है, जैसे आपने कहा सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, स्पेशली पेरेंट्स ही जब नहीं करते. अब एक चीज़ हो गई, लेट सपोज बहुत सारी बच्चियाँ, या स्पेशली बच्चियाँ नहीं, बच्चे भी, के बच्चे भी इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं. अगर चाह ऐसा हो जाए तो कई लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट का रेशो मेंटली टॉर्चर होता है, वो फेस नहीं कर पाते. तो इस सिचुएशन में इंसान क्या करे? इस सिचुएशन में आप उन यंग जनरेशन या यूथ को क्या कहती हैं जो इस चीज से गुजर गए, तो क्या वो सुसाइड कर लें, या आगे जिंदगी में, मतलब क्या लॉ है? क्योंकि Suicide is एग्जाम होने not solution. Suicide is not the solution of such things, okay? But मैं एक चीज को हाईलाइट करना चाहूंगी. जब मैंने मैंने 2015 में लॉ किया, ठीक है, और उसके बाद से मैंने केसेस को टेकअप करना शुरू किया. 2015, 16 और 17 में मेरे पास हमेशा फीमेल विक्टिम्स आती होती थी, ठीक है, कि मतलब जिनके साथ जिनके रिलेशन थे और बाद में ब्लैकमेल इन पे चली आई, या फिर समटाइम ऐसा हुआ कि उनके अकाउंट्स हैक हो गए. बट 2017 के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि मेरे पास मेल विक्टिम्स ने भी मुझे अप्रोच करना शुरू किया. ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि जी फीमेल्स हरास होती हैं और मेल को कोई हरास नहीं कर सकता, तो ऐसी कोई बात नहीं है. बट हमारी सोसाइटी का माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि मतलब मेल हरासमेंट के ऊपर कोई बात ही नहीं करता. बट मैं मतलब आई बिलीव ऑन जेंडर इक्वालिटी, ठीक
ठीक है, मतलब ठीक है फीमेल को भी हरास करना पड़ता है, बट मेल भी ऑफ कोर्स विक्टिम बनते हैं। तो लेकिन हमारी सोसाइटी का एक माइंडसेट जिसके ऊपर मैं हमेशा से बात करती हूँ और अभी भी करना चाहूंगी, कि देखें जब फीमेल्स को ये इशू फेस करने पड़ते हैं तो उनकी फैमिलीज उनको सपोर्ट नहीं करती हैं। ठीक है, बिल्कुल लाइक कोई 1000 में कोई 1 केस होगा, जो मैं अपने केसेस की बात बता रही हूँ, किसी में भी लड़की ने, मतलब विक्टिम थी, उसने कहा कि मेरी फैमिली को पता नहीं चलना चाहिए, बट मेरे पास जितने भी मेल विक्टिम्स के केसेस आए ना, उनकी फैमिलीज उनको, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगी कि मतलब अगर आपको लगता है कि आपके बेटे के साथ हरासमेंट हो रही है, और मतलब जब मीटिंग होती है तो उनके पेरेंट्स भी मेरे साथ मिलने के लिए आते हैं, जी कि हमारे बेटे का इस तरह का पर्सनल डेटा था, वो लड़की ने लीक कर दिया या वो ब्लैकमेल कर रही है, तो आप कुछ करें, बट लड़की के बारे में कोई बोलना ही नहीं चाहता। तो इसी वजह से जो सुसाइड के, अगर होते भी ना सुसाइडल थॉट्स भी आती है, वो फीमेल्स में ज्यादा होती है, क्योंकि देखिए उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो बात ही नहीं कर सकती, बता ही नहीं सकती, वो किसको बताएंगे, वो पेरेंट्स को बताएंगे, पेरेंट्स उनका साथ नहीं देंगे, अगर फ्रेंड्स को बताते हैं फ्रेंड्स जजमेंटल हो जाते हैं, तो और फिर जो इस तरह के केसेस होते हैं, लिटिगेशन इज वेरी एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान, लोगों को लगता है जी कि हम लॉयर के पास आ गए हैं तो वो हमारा मुफ्त में काम कर देंगे, देखिए मुफ्त में ऑफ कोर्स वी डू सम वर्क, बट ये इस तरह केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत, मतलब जिसमें काफी ज्यादा कॉस्ट आता है, और ये केसेस बहुत टेक्निकल किस्म के होते हैं, इसमें फोरेंसिक होती है, मतलब ये आम टिपिकल केसेस की तरह नहीं चलते केस, कि आप बस कोर्ट में जाके एक स्टेटमेंट दे दो आपके केसेस चल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस आता है। तो फिर जब फीमेल्स देखती है कि जी हमारे पास तो एक्सपेंसिस भी नहीं है पे करने के लिए, तो मैंने बहुत से केसेस में ऐसे देखा, मतलब फीमेल्स खुद बताती हैं कि ठीक है हम फीस भी नहीं दे सकते, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हम खुद को जो है वो खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के केसेस मैंने देखे, मेल्स के भी जब हरासमेंट का भी जब इशू फेस करना पड़ता है, चाहे वो साइबर हरासमेंट हो या वर्क प्लेस हरासमेंट हो, उनमें भी सुसाइडल थॉट्स आती हैं, या जब उनके ऊपर हरासमेंट की एलिगेशंस लग जाती हैं, अब हमारी सोसाइटी में एक नया ट्रेंड भी स्टार्ट हो गया जी, कि अगर आपने किसी के साथ रिवेंज लेना है, फीमेल्स की बात कर रही हूँ, तो वो सिंपली एक हरासमेंट की एलिगेशन लगा देती हैं। इसकी रिसेंट एग्जांपल्स हमने बहुत सारी देखी, जिसमें से वो एक प्रोफेसर का इंसिडेंट हुआ, बट ये लोगों ने तो अभी देखा ना कि हरासमेंट की एलिगेशन लग रही है, बट मेरे पास खुद ऐसे केसेस भी हैं जिसमें मेल्स के ऊपर झूठी हरासमेंट की एलिगेशन लगाई गई, उसमें रियलिटी कोई नहीं थी, और इतने, मतलब मैंने देखा कि जिनके ऊपर, हालांकि मेरे अपने अपने क्लाइंट की मैं आइडेंटिटी शो नहीं कर सकती, बट प्रेजेंटली मेरे पास खुद भी ऐसा केस है जिसमें एक फीमेल ने एक लड़के से बदला लेने के लिए बस उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाई कि जी इसने मुझे हरेस किया है, इसने मेरी पिक्चर्स वीडियोज जो है वो अपलोड की है, और ये एलिगेशन लगाए, और उस वो देवर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, और यूनिवर्सिटी ने विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन विदाउट एनी इंक्वायरी उस बच्चे को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, और व्हेन दैट स्टूडेंट विजिटेड मी, और उसने मुझे कहा जी कि मेरे पे तो हरासमेंट की एलिगेशन लगी है, मैं किस तरह सोसाइटी को मुंह दिखाऊंगा, आई एम जस्ट थिंकिंग टू एंड माई लाइफ, तो मैं हूं तो लॉयर, बट फिर मुझे उनकी काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, मतलब पूरा टाइम दे के उनको समझाना पड़ता है, तो सुसाइडल थॉट्स बहुत ज्यादा आती है, जाहिर बात है आप सोसाइटी को फेस ही नहीं कर पाते, और इसकी रिसेंट एग्जांपल हमने ये प्रोफेसर वाली देखी कि जिसमें बाद में क्लियर भी हो गया कि उन्होंने हरासमेंट कमिट नहीं की थी, बट स्टिल उनके, मतलब कोई भी उनको क्लीन चिट नहीं दी गई, एंड ही जस्ट फिनिश्ड हिज लाइफ। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक्चुअल मसला यह है कि सोसाइटी का भी एक प्रेशर है, लड़कियों को कोई सपोर्ट नहीं करता, और यही चीज़ अगर लड़कों के साथ हो तो पेरेंट्स भी आते हैं, और ये बात देखी भी जा सकती है कि अगर बचपन में कोई बच्चा आके बता दे, अगर वो बेटा है, कि मेरे साथ ऐसा हो, तो पेरेंट्स फुल उसका साथ देंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा माँ बाप को, पेरेंट्स का भी है कि अगर बेटी कुछ बताए तो आप बेटी को ही गलत कहते हो। अगर पेरेंट्स की भी सपोर्ट हो, पहली बात जो माँ बाप है, एक तो अपने बच्चों पर भरोसा करें, दूसरा उनको ऐसे ट्रेन करें कि मतलब खुदा ना खास्ता कोई ऐसे मामला हो तो वो डरे नहीं, बिला झिझक अपने माँ बाप को बताएं। एक ऐसी बॉन्डिंग पेरेंट्स और उसमें होनी चाहिए, तो फिर इस चीज की कमी आ सकती है कि जो, क्योंकि अभी रिसेंट हम कई केसेस देख रहे हैं बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस इतने आम हो गए हैं, और उसके साथ अगर देखा जाए, अभी रिसेंट एक मौलाना साहब, अगर ये आपके पास भी केस ऑब्वियसली, वो क्या, लेकिन उसमें पेरेंट्स का सपोर्ट था और दूसरी चीज वो बच्चा था, लेकिन अगर इसकी जगह बच्ची भी हो तो आपको ऐसे ही साथ देना है। लेकिन ये जो चीजें होती हैं, इनकी सजा क्या है, इनको जो जो लोग ये कर रहे होते हैं, हरास जो कर रहे होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या ये मेंटली डिस्टर्ब होता है, या किस किस्म से, कैसे लोग होते हैं ये, इनसे कैसे सर्वाइव किया जाए, कैसे पहचाना जाए, आपने इतने केसेस अब तक देखे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा, एक आम बंदा है कुरान पढ़ा रहे, इतना मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, और इस किस्म की हरकतें, तो इर्द गिर्द हमारे बहुत सारे ऐसे जो आप
ये मतलब इस तरह के इंसिडेंट को कोर्ट करें जो बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है वो साइबर हरेसमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं करता, बट कुछ हाँ जी केसेस वो ऐसे सेक्सुअल भी हुए हरासमेंट जिसमें में जिसमें माइनर जो सेक्सुअल अब्यूज था वो साइबर साइबर हरेसमेंट में भी कन्वर्ट हुआ। उसकी मैं आपको एग्जांपल ये देती हूँ कि अभी इसी साल कश्मीर में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक बच्चे ने, ही वॉज वेरी यंग, लाइक ही वॉज 15 और 16, ही जस्ट फिनिश्ड हिज लाइफ, ठीक है, उसने सुसाइड कर ली। अब जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई कि ये बच्चा इतना समझदार था, पढ़ने में भी अच्छा था, तो उसने क्यों ये सुसाइड की ना, जब पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की और उसके फ्रेंड्स को अप्रोच किया, जाहिर बात है बच्चे, पुलिस को डाउट हुआ कि बच्चे के फ्रेंड्स को कुछ ना कुछ पता होगा। जब उसके फ्रेंड्स के पास गए तो उन्होंने बताया कि इस बच्चे को 4-5 लड़के थे, उन्होंने उसका रेप किया था, ठीक है, गैंग रेप हुआ उस बच्चे का, लड़के की बात हुई, लड़की की बात नहीं करी। और उसके बाद गैंग रेप होने के बाद उन्होंने उस बच्चे की वीडियोज बनाई, उस बच्चे के पास मोबाइल फोन था, और उसके बाद उन्होंने वो बच्चे को वीडियोज भेजी जिसमें उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास ये वीडियोज हैं तुम्हारी, हम तुम्हारी फैमिली को दिखा देंगे वीडियोस, बाकी स्प्रेड कर देंगे, तो हम तुम्हारे से जो जो डिमांड्स करते हैं ना तुमने वो हमारी डिमांड्स को फुलफिल करना। वो बच्चा कॉन्टिन्यूसली सेक्सुअल हरासमेंट का विक्टिम बनता रहा, इसमें साइबर हरासमेंट भी आ गई कि उन्होंने वीडियोस बना के रखी हुई थी। हाँ फिर जब उस बच्चे का बिल्कुल मोबाइल फोन चेक किया गया, ये बीबीसी ने बड़ा इसको हाईलाइट किया इस केस को, जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई, मोबाइल की फोरेंसिक हुई, तो उसके थ्रू फिर जो कल्प्रेट्स थे मतलब जिन्होंने रेप किया था उन तक पहुंचा गया। तो इस तरह के इंसिडेंट, ये मतलब ये एक इंसिडेंट है जो हाईलाइट हो गया, बट आई बिलीव, मतलब दिस इज माय प्रिजम्पशन, लोग इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट मैं डेली बेसिस पे इस तरह केसेस को डील करती हूँ, तो मुझे लगता है हो सकता है कि हमारी साथ वाली हर हर गली मोहल्ले में एक ना एक बच्चा साइबर हरेसमेंट का या बिल्कुल सोसाइटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन चीजों को रिकॉग्नाइज करें, उसके रिड्रेसल के लिए काम करें, बट हम लोग उस चीज को एड नहीं करते कि जी सेक्शन हरासमेंट बच्चों के साथ होती है, साइबर हरासमेंट होती है, वर्क प्लेस हरासमेंट भी होती है। बीइंग अ लॉयर, जब मैं भी इन चीजों को टर्म्स को यूज करती हूँ तो लोग जजमेंटल हो जाते हैं, लोगों का माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता, लोग मुझे कहते हैं नहीं जी आप कैसे कह सकती हैं जी बच्चे सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होते हैं, साइबर हरासमेंट होती है ये वो। हमें फर्स्टली अपनी सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, जब हम उसको चेंज कर लेंगे ना तो लॉज की इम्प्लीमेंटेशन, केसेस का रिड्रेसल वो लेटर स्टेज है, बट फर्स्टली हम उस चीज को मतलब अपने तरीके से उसको कवर करने की तो कोशिश करें ना, मतलब कि इसके कॉज को तो ढूंढने की, कॉज हो क्यों रहा है, पहले आप कॉज को ढूंढेंगे बाद में आप सोल्यूशन पे जाएंगे, तो फर्स्टली हमें ये चीजों को डिटरमिन बिल्कुल करना है। आपने सही कहा कि बच्चों का जो होता है तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा रेशो इसको है। लेकिन ये आपका साइबर हरेसमेंट तब कहलाता है जब आपकी वीडियोस और ये चीजें लिंक आ जाती हैं और उससे ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड साइबर। साइबर हरासमेंट तब बनेगा जब आप किसी मॉडर्न डिवाइस को और इंटरनेट को यूज करते हैं, लाइक इफ यू और आर यूज यूजिंग करके आप लैपटॉप ब्लैकमेल और करते हो। मोबाइल फोन और टैबलेट, और अगर आप ऑनलाइन हरासमेंट ना, तो ये फिर चीजें जो है वो फिर साइबर हरासमेंट में फॉल करती हैं, और अच्छा, उसके लिए कोई अलग ऐसी से लॉज चीज, है उसके। जी आप जो जी है अब इतने टाइम से काम कर रही हैं इस चीज के ऊपर, तो आप क्या देखती हैं, किस चीज की कमी है, क्या अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को, क्या आप क्या चाहती हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू आप मैसेज दें और आप बताएं कि क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, या जो लैक ऑफ अवेयरनेस है जो हम नहीं एक्सेप्ट करते मानते, तो आप बताइए अपने एक्सपीरियंसेस से इतने केसेस के बाद, कोई ऐसी बात जिससे देखिए, मतलब अगर कमी अगर आप सफाई। साइबर हरासमेंट की बात करते हैं ना, तो मैं हमेशा फीमेल्स को इस बात का मतलब अवेयरनेस देती हूँ कि देखिए ठीक है, अगर आपको किसी के साथ रिलेशनशिप है, हमारा को प्रोहिबिट नहीं करता, ठीक है, बीइंग अ लॉयर मैं लॉ से बाहर नहीं निकल सकती, तो हमारा लॉ कभी भी मतलब इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समवन, आप किसी को पसंद करते हैं या कोई आपको पसंद करता है, देयर इज नथिंग बैड इन इट, ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है कि एक दूसरे को पसंद करना, क्योंकि आप नेचर को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उसकी कोई लिमिट्स भी होती है, जब आप लिमिट्स को एक दफा भी एक्सीड करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समवन आप बात कर सकते हैं, बट कभी भी किसी के साथ अपनी प्राइवेट पिक्चर्स को कभी भी शेयर ना करें, ठीक है, चाहे आप जितना मर्जी ट्रस्ट करते हैं किसी के ऊपर, मैं आपको बाद में एग्जाम्पल्स भी और दूंगी, बट कभी इवन आपका अगर हस्बैंड भी है ना, तो ही इज नॉट अलाउड कि वो आपकी पिक्चर को कैप्चर कर सके, ठीक है, मैं हस्बैंड तक की भी बात करती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक फीमेल आई थी लिया से, ठीक है, और शी जस्ट केम टू मी, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड मुझे तंग करते हैं ये वो, तो जब मैंने उनसे डिटेल में जब उनसे पूछा कि किस तरह के हरासमेंट मतलब क्या आपको वो तंग है, तो उसने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड ने मेरी एक वीडियो बना ली थी,
ठीक है। और मुझे वो कहते हैं कि कहती है मुझे जब दिल करता है वो घर से निकाल देता है, जब दिल करता है वो मारता पीटता है। मुझे कहते हैं तुमने अगर किसी को बताया कि मैं तुम्हें मारा पीटा है तो तुम्हारी मैं ये वीडियो सबको दिखा दूंगा, ठीक है। तो मतलब मैंने इस तरह के केसेस भी देखे हैं। तो ठीक है, आपका रिलेशनशिप है, चाहे आप मैरिड भी हैं उस बंदे से भी, बट आपकी इंडिविजुअल प्राइवेसी कभी भी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। हो सकता है जो आपका आज को हस्बैंड है कल को उसके साथ डाइवोर्स हो जाए आपकी, ठीक है, पॉसिबिलिटी है ना, राइट, कुछ भी हो यस सकता है। तो पॉसिबली, व्हाई इट्स यू आर लेटिंग पॉसिबल। हिम टू रिकॉर्ड योर सच थिंग्स? आप उसको परमिशन दे रहे हैं कि, और फिर ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी, बट हमारी जो यंग जनरेशन है उनको बड़ा शौक होता है लाइव वीडियो कॉल्स करने का, उसके बाद अपनी प्राइवेट पिक्चर शेयर करने का। ये मतलब ठीक है, यू आर इंटरेस्टेड इन समवन, बट ये किस लेवल पे आप जा रहे हो कि आप इस तरह की पिक्चर्स एक दूसरे के साथ डिमांड कर रहे हो? मतलब मुझे लोगों की ये चीज की समझ नहीं आती। और फिर जब आप एक दफा अपनी पिक्चर्स बना ले मोबाइल फोन पे, फिर चाहे अगला बंदा सिंसियर भी है, बट उसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये पिक्चर्स कल को लीक आउट नहीं होंगी, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। अगर आप लड़कियां कहती जी हमें बहुत ट्रस्ट है उसके ऊपर, लड़का भी कहते हैं हम बड़ा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है ट्रस्ट करते हैं, बट हो सकता है जिस डिवाइस में आपने पिक्चर्स बनाई हुई है वो कहीं खो जाए, गिर जाए कहीं पे, कोई अगला बंदा उसको एक्सेस कर ले, आप अपना मोबाइल रिपेयर। ये मैं सब इंसिडेंट बता रही हूँ जो मैंने खुद बिल्कुल होते सही कह देखे, रहे कि मतलब उनकी इंटेंशन नहीं होती है शेयर करने की, मतलब वो उसको प्राइवेट ही रखते हैं, बट हो सकता है कभी कोई फ्रेंड आपके मोबाइल फोन पे एक्सेस कर ले, मोबाइल फोन गिर गया, चोरी हो जाता है मोबाइल फोन, हैक हो जाता है अकाउंट आपका, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो व्हाई यू आर रिकॉर्डिंग सच थिंग्स इन इन ए डिवाइस जिसकी कोई मतलब गारंटी नहीं है कि ये सिक्योर होंगी? तो कभी भी आप इस तरह की चीजों को डिजिटल ना करें, कभी भी ना करें, क्योंकि किसी भी टाइम जाके ये पिक्चर्स लीक आउट हो सकती हैं, वीडियोस, और फिर आपके लिए एम्बैरेसमेंट बनेगी, आप सुसाइड कमिट करोगे। तो मतलब आपने खुद गलती की है ना, तो गलती मतलब इतना आगे जाने से बेहतर है कि आप पहले ही ऐसी चीजें करो ही ना जो कल को आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लेट सपोज, एक तो गारंटी नहीं, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आगे चल के डाइवोर्स हो जाए, और नहीं भी हो, लेट सपोज योर हस्बैंड इज सिंसियर विद यू, बट आपकी यस वही चीज अगर चोरी हो जाए, डाटा आपका लीक हो जाए, या आप गिर जाए मोबाइल, बहुत चीजें पॉसिबिलिटी हैं, तब तो लीक होनी ही होनी, अगर ऐसा एक डाटा मैं आपको मिलेगा इसी एग्जांपल भी दे दूं, ऑब्वियसली। देखिए मोबाइल हाँ फोन तो आजकल हर किसी के हाथ आ गए, जिसको पढ़ना लिखना आता हो उसको नहीं मोबाइल आता फोन यूज, होता, और उसको पता होगा फेस, मैंने अनपढ़ लोग भी फेसबुक पे देखे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग हर मैंने किसी का खुद राइट है देखे। फेसबुक यूज करना, बट मैंने अनपढ़ लोग जिनको इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, आई हैव सीन देम यूजिंग फेसबुक। अब मैं उसी आपको, मैंने एक, मैं ये मीडिया को बड़ा फॉलो, मतलब न्यूज को बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ, ये जितने भी साइबर हरासमेंट के केसेस वगैरह आते हैं अपनी स्टडी के लिए मैं इसको करती हूँ। अब जो मैंने एक केस पढ़ा, जो इंसिडेंट हुआ उसमें बंदा अनपढ़ था, ठीक है, बट ही हैड अकाउंट ऑन फेसबुक, उसने अपनी और अपनी वाइफ की वीडियो बनाई हुई थी, और पता नहीं वो कैसे वीडियो फेसबुक पे अपलोड हो गई। तो दिस इज व्हाट इज ऑब्वियसली आप हैपनिंग, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो हम लोग इसको रियलाइज नहीं करते ना, बट मैंने फिर, अब वो पिक्चर बाद में वीडियो वायरल होगी, अब जब वीडियो एकदम वायरल हो जाए आप उसको हटवा भी दे, बट वो जो स्पेसिफिक वेबसाइट्स होती है उसके ऊपर आपकी वीडियोस पहुंच जाती हैं, तो तब आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आप क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए बेहतर है कि आप पहले ही ऐसे काम ना करते जो इतनी एम्बैरेसमेंट का बाइस बनेंगे कल को। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इन सब चीजों के बारे में लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ, अगर ऐसी चीजें होती हैं, कोई एक विक्टिम है आप जैसे, तो लॉ के हिसाब से एक लड़की को या लड़का जिसके साथ भी ये हुआ, उसको जैसे बहुत से लोग सुसाइड कमिट करते हैं, चले ठीक है सोसाइटी नहीं, मतलब प्रेशर है ये वो, अब अगर एज अ लॉ की बात की जाए, तो उस सिचुएशन में क्या क्या चीजें हैं जो हमें नहीं मालूम होती, क्योंकि हमने तो एजुकेशन हासिल नहीं की, कि वो क्या क्या चीज, उनके क्या राइट्स हैं, मतलब राइट्स भी नहीं मालूम होते, किस सिचुएशन में क्या किया जाए लॉ के हिसाब से, ये बताइए। देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि लॉ जो है ना, अगर किसी किसी लड़की ने अपनी वीडियो बनाई है, ठीक है, अपनी फ्री विल के साथ बनाई है, और उसके बाद लॉ कभी भी ये नहीं कहता कि उसको इस चीज की परमिशन नहीं थी कि वो अपनी वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे यू आर गेटिंग माई पॉइंट? हैं। हाँ, ये तो अगर आखिरी कोई इंसान, अपनी आखिरी अपनी इंसान, प्राइवेट, पर्सनल चीज है, अगर हाँ उनका दिल है वो लॉ अपनी इस चीज चीज बना को, अपने लिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उसने अपनी बना ली है वीडियो, बना ली उसने अपने पास रखी हुई है, बट अगर आपने कोई पिक्चर ली है वीडियो बनाई है वट एवर, ठीक है, लॉ कभी भी आपको उसके ऊपर पनिश नहीं करेगा कि आपने अपनी डिवाइस को यूज करते वक्त
करके कौन कौन सी वीडियोस या पिक्चर्स बनाई है, ठीक है। लोगों को लगता है जी, अब लोगों को ये लगता है अगर किसी ने पिक्चर बनाई है तब तब भी उसका फॉल्ट है, लॉ उसी को पनिश करे, ठीक है। तो पाकिस्तानी लॉ या नेचुरल जस्टिस की भी अगर बात करते हैं तो वो कभी भी इस चीज के ऊपर मतलब पनिशेबल नहीं है। बाकी अगर आपका कोई प्राइवेट पिक्चर शेयर हो गई है या वीडियोस बना किसी ने बना किसी ने जबरदस्ती बना के उसको अपलोड कर दिया, या किसी ने उसको चोरी करके आपकी परमिशन विदाउट योर परमिशन उसने उसको पब्लिक कर दिया, तो उसके लिए जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है जिसको पीका भी कहते हैं, 2016 में लॉ पास हुआ था, तो उसमें स्पेसिफिकली सेक्शन मेंशन है जिसमें ये साइबर हैरेसमेंट को डील किया गया, ठीक है। और उस लॉ में ये कहा गया कि अगर कोई आप ऐसे पिक्चर वीडियो को बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं किसी और की पिक्चर्स को उसकी परमिशन के बगैर अपने पास रखते हैं और डिस्प्ले करते हैं या किसी और को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, ये मतलब इसमें डिस्प्ले करना भी शामिल है, इसको अपने पोजेशन में रख ट्रांसफर करना भी शामिल, ठीक है। अगर कोई बंदा किसी की परमिशन के बगैर कोई ऐसे पिक्चर को वीडियो को शेयर करता है या अपने पास रहता है जिसकी वजह से उस बंदे की डिग्निटी हर्ट हो रही है, ठीक है, डिग्निटी की बात की है उस लॉ ने, तो उसके ऊपर जो है ना आपको 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, सजा हो सकती है उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो फाइन है ना वो 10 लाख से 1 मिलियन से एक्सीड कर सकते हैं, या तो आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और इसके ऊपर फाइन भी हो सकता है। और सेकेंडली अगर कोई आप ऐसी पिक्चर को या शेयर करें या करें नेचुरल पर्सन की मॉडेस्टी इंफ्रिंज हो रही है, ठीक है। अब जो ये लॉ है ये मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ठीक है, इवन ट्रांसजेंडर्स में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, इस लॉ में कहीं पे भी नहीं लिखा गया जी कि ये वुमेन के लिए है, ये मेल के लिए है, ये ट्रांसजेंडर के लिए, लॉ के लिए सब ही इक्वल है, लॉ सबको इक्वली ट्रीट करता है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो अगर कोई आप ऐसा इमेज जो है या वीडियो शेयर करें जिसमें नेचुरल पर्सन की मॉडेस्टी इन्फ्रिंज हुई है, यानी कि आपने कोई ऐसी पिक्चर लगाई है या वीडियो लगाई है, तो उसके ऊपर आपको 50 लाख रुपीस इसके ऊपर पनिशमेंट भी जुर्माना हो सकता है, और उसके बाद जो इसकी पनिशमेंट है वो इसकी 5 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और थर्डली अच्छा अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात करते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात करते हैं मतलब बच्चों की, छोटे बच्चों की आप वीडियोस बना लेते हैं, ये हमारी सोसाइटी में भी हो रहा है और मैंने होते भी देखा, जिसका मैंने आपको इंसिडेंट कोट किया अभी कश्मीर वाला। अगर इसी तरह का कोई इंसिडेंट होता है कि जिसमें आप बच्चे की वीडियो बना रहे हो या शेयर भी कर रहे हो किसी और बच्चे की भी कर रहे हो, तो मतलब वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में फॉल करते हैं, तो उसके लिए भी सेम पनिशमेंट्स हैं कि आपको 5 इयर्स की जो है वो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 7 इयर्स की, बल्कि इसमें 7 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट रखी गई है और 50 लाख इसमें जुर्माना है। लॉज एग्जिस्ट करते हैं बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी होती है, ऐसा नहीं है कि लोग कहते थे कि लॉज बन गए हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, इम्प्लीमेंटेशन तभी होगी जब आप खुद उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहेंगे ना, जब आपको अवेयरनेस होगी, आप खुद उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जा रहे हैं अथॉरिटीज के पास, तभी वो इम्प्लीमेंट होंगे, लॉज एग्जिस्ट करते हैं, बट फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके लिए कौन कौन से लॉज एग्जिस्ट करते हैं। सही। अच्छा कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं। इफ्तिखार साहब कह रहे हैं नॉट एग्री। इफ्तिखार आप बता सकते हैं प्लीज मेंशन कि आप किस चीज से एग्री नहीं करते, तो ताकि ये इन्हें ऑब्वियसली कमेंट्स आ रहे ताकि हम सवाल के जवाब ले सकें इनसे। मुझे लग रहा है कि उसकी बात करें कि वो जो पिक्चर्स हम रिकॉर्ड करते हैं फीमेल्स का, तो मे बी पॉसिबल ये उस चीज की बात करें। खैर आपने देखिए बहुत यही तो हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है जिसको चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब अगर कोई फीमेल अपनी वीडियो बना रही है तो आपको उससे बिल्कुल क्या प्रॉब्लम है, आपके मोबाइल फोन पे तो नहीं बनाई ना, आप भी तो नहीं बनाई, ठीक है, वो उसने अपना लोग इंटरनेट यूज किया है अपनी। समझ नहीं आ रहा ना कि ये इसी प्रोग्राम का भी मकसद ये है कि अवेयरनेस फैलाई जाए, जो हमने खुद से चीजें बनाई हुई है उसको हम क्लेरिफाई कर सकें कि साइबर हरासमेंट एक्चुअल में क्या होती है और खुद से बनाई हुई उसका क्या डिफरेंस है। अगर वो बना रही है वो उसके अमाल, अगर हम दीनी लिहाज से उसकी बात करते हैं, लेट सपोज कि बहुत सारे लोग फिर दीन की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो वीडियोस बनाते हैं जो मुस्लिम नहीं होते, तो वो तो दीन को नहीं मानते और वो अपने लिए बना रहे हैं, मतलब इट इज पर्सनल, लेकिन वो लीक हो जाए अगर आपने किसी पार्टनर को। कल कल मैं इसी को कोट करना चाहूंगी, कल मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट शेयर की, ठीक है, और मैंने उसमें बताया कि ब्रीच ऑफ प्राइवेसी क्या होता है और क्या आप ऑथराइज हैं कि आप किसी पिक्चर्स को ट्रांसमिट कर सकें, शेयर कर सकें, अगर किसी ने अपनी कंसेंट के साथ भी बनाई है। पीपल वर स्टार्टेड गिविंग मी लेक्चर रिगार्डिंग इस्लाम। तो मैंने कहा जी कि मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिक रिलीजन की बात नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे साथ बल्कि मेरी अपनी फ्रेंड लिस्ट में बुद्धिस्ट भी है, ठीक है, बहुत
बुद्धिस्ट को भी मैं जानती हूँ, हिंदूज के साथ मेरे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं, क्रिश्चियंस के साथ है, तो मैं कैसे एक ऐसे बंदे के मतलब इस्लाम के लिए बोलूँ, मैं सब में फॉर मी ह्यूमैनिटी जो है ना वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती रिलीजन के, और सबके जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और ये सबको इक्वली अवेलेबल है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी, पाकिस्तानी लॉ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि जी के अगर हिंदू है तो उसके लिए साइबर हरासमेंट के अलग से लॉज होंगे, मुस्लिम के लिए अलग से होंगे, क्रिश्चियंस के लिए अलग से होंगे, लॉ सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। तो लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि हर चीज में ठीक है, ऑफ कोर्स इस्लाम हमारा मतलब हमें बता रहा है कि आपने कैसे कैसे जिंदगी गुजारनी, इस्लाम में भी मतलब नेचर की बात की गई ना, नेचुरल लॉस तो सब रिलीजन में सेम है, उसको तो आप डिफरेंस नहीं कर सकते, तो इसलिए लोगों को ये समझने की जरूरत है कि सबको आप इक्वली ट्रीट करें, ना कि किसी को रिलीजन की बेस पे आप हाई ऊपर लेके जा सकते ना नीचे लेके जा सकते हैं, जो ये साइबर ये सबको इक्वली अवेलेबल है और में कोई डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही, और मे बी के इससे बहुत सारे लोगों को अब समझ आ जाए कि जो लॉ होता है तो वो ऑब्वियसली रिलीजन बेस या उस पर नहीं होता, वो इंसानियत पे, ह्यूमैनिटी, क्योंकि अगर देखा जाए तो हाँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो मतलब अगर हिंदू हो किसी भी मजहब से, या बुद्धिस्ट हो या सिख हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, लेकिन उसका रब जो भी हो वो ऑब्वियसली इंसान है सबसे पहले। अब उन्होंने मजहब कोई भी रिलीजन चूज किया, वो उनकी च्वाइस है, वो अब हर बंदा अपने अमाल का जवाब दे खुद है। तो हम जो जजमेंटल बिल्कुल बन जाते हैं बिल्कुल कि ये मुस्लिम है और दीन में ऐसा नहीं है, तो भाई दीन में नहीं है ठीक है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन बात हो रही है इंसानियत की, जो लॉ है वो तो इंसानियत के बेस पे बनेंगे ना, कि आप मतलब मुस्लिम के लिए अलग रूल्स नहीं होंगे, और जाहिर है इंसान अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, तो उसके लिए रोल नहीं कर सकते लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, मैं बहुत कम लोगों को बताती हूँ, बट आई हैव स्टडीड शरिया एज वेल, ठीक है। मैंने खाली पाकिस्तानी लॉ को नहीं पढ़ा, मैंने डिड माई LLB, तो मैंने शरिया को भी बहुत अच्छे से थॉरली स्टडी किया है, दैट वॉज पार्ट ऑफ माई डिग्री कोर्स। अब अगर आप प्राइवेसी की बात करते हैं, हमारे यहाँ बहुत से लोगों को प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, और इसके ऊपर एक हदीस है जो मैं कभी कभार मतलब जब भी ज्यादा रिलीजियस डिस्कशन होती है उसको क्लोज करने के लिए मैं ये बताती हूँ कि इस्लाम में प्राइवेसी का ये कॉन्सेप्ट है कि इस्लाम हदीस है कि अगर आप गुजर रहे हैं और अगर आप किसी के घर में झांकते हैं, ठीक है, उसमें ये नहीं लिखा कि उसका दरवाजा लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, इफ यूर अगर आप गुजरे हैं किसी घर से और आपने झांका है अंदर ना, और अगर अगले बंदे ने पत्थर उठा के आपकी आंख में मार दिया और आपकी आंख जाया होगी, तो उस बंदे के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, आपने ठीक है। क्यों झांका? तो बिल्कुल, दिस इज योर फॉल्ट कि आपने अपना अपनी आंखों से वो चीज देखी है, आप गुजरे हो तो जस्ट पास बाय गुजर जाओ, आपको क्या लगे कि अगला बंदा अपने घर में दरवाजे मतलब दरवाजे के पीछे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, यू हैव नो राइट। जब एक बंदा अपने घर में अकेला है तो वो अल्लाह और उसका मामला है, ठीक है, तो वही बात। सोसाइटी या किसी की भी, बिल्कुल। तो ये हमारा प्राइवेसी के कॉन्सेप्ट है, तो अगर आप वीडियोस की भी इस तरह बात करेंगे, अगर एक बंदे की वीडियो है तो आपको किसने अथॉरिटी दी है कि आप उसमें जाके झांकें, उसको उसको ट्रांसमिट करें, तो ये नेचर की, इस्लाम भी नेचर पे बेस है, इस्लाम भी फितरत का दीन है, ठीक है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नेचर के साथ कॉन्फ्लिक्ट करे, तो जब नेचर खुद बता रही है कि अगर आप किसी को जाके झांकोगे और अगला बंदा आपकी आंख नहीं है, तो आप कैसे कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने एक्ट को, जी के उसने तो अपनी पिक्चर जो थी वो खुद वायरल कर दी, उसने वायरल कर दी, दैट खत्म हो गया मामला, आप क्यों आगे इसको फर्दर जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, लोगों के लिए अवेलेबल कर रहे हो, तो दिस इज योर फॉल्ट, उस बंदे का फॉल्ट नहीं है इसके ऊपर। और आपने बड़ी जबरदस्त बात कह दी कि अगर आप अगर हम जजमेंटल बनते हैं और दीन को बीच में लाते हैं, तो हमारा दीन या इस्लाम में तो खुद ऐसी मिसालें, ऐसी अहदीस हैं कि ऑब्वियसली फिर बिल्कुल यही बिल्कुल बात, जजमेंटल बन जाते हैं और मतलब बस ब्लेम गेम खेलते हैं, ब्लेम करना है किसी को, लेकिन जिस पे गुजरती है हम वो नहीं समझते। अच्छा शुएब साहब कह रहे हैं बिल्कुल कि गुड बिल्कुल थैंक रिसर्च एनालिसिस डियर, थैंक यू सो मच। यू। इसके अलावा और कोई बात, कोई मैसेज, और आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आप लोगों को कुछ, साइबर आज का हमारा टॉपिक है साइबर हरासमेंट, हम इस पे बात कर रहे हैं, और अगर कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, शी इज अ लॉयर और जो है ये हमें काफी इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो कोई भी क्वेश्चन है यू पीपल कैन आस्क। इसके अलावा अभी जो रिसेंट एक आपको तो पता होगा केस चल रहा है कोई राबी, आई डोंट नो, मुझे केस नहीं पता, कि वो भी कोई ऐसा ही सिलसिला है कि उनकी पिक्चर्स लीक हो गई, कोई पर्सनल अपनी बनाई होंगी और वो लीक होंगी, सेम यही और इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहेंगी आप, जो अभी राबी केस चल रहा है ट्रेंड में आई हुई है एक।
other ke incident. Yes, Hmm. she's a single. एज पर हर स्टेटमेंट उनकी जो वीडियोस हैं वो लीक आउट हो गई हैं. ठीक है, वो कह रही कि मैंने ऑथराइज तो अब देखिए उसके ऊपर लोग कहते हैं कि जी वो खुद ऐसी थी, उन्होंने पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया है, या मतलब उन्होंने अगर वीडियोस बनाई हैं तो फिर लोग जस्टिफिकेशन, लोगों के पास जस्टिफिकेशन ये है कि अगर आप इस तरह की वीडियोस बनाओगे तो हर किसी को अथॉरिटी है कि वो इस तरह की पिक्चर्स को देख सके, वीडियोस को देख सके. बट फिर मैं उसको लॉ के साथ लिंक करूंगी. लॉ कभी भी रावी पीरजादे को इसके ऊपर, इस चीज के ऊपर पनिशमेंट नहीं दे सकता कि उन्होंने अपनी वीडियोस इस तरह की क्यों बनाई थी. ठीक है, लॉ बड़ा क्लियर है इस चीज के ऊपर. मतलब अगर लोगों को लगता है जी कि वो खुद पिनलाइज होंगी इसके ऊपर, उनके ऊपर पनिशमेंट होगी, तो ऐसा कभी भी नहीं है. आप यू आर फ्री टू मेक व्हाटएवर काइंड ऑफ वीडियो, अगर आप रिकॉर्ड करना चाहें आप कर सकते हो. बट अगर उसको किसी ने लीक कर दिया आपकी परमिशन के बगैर, तब जो बंदा लीक करे और इवन जो ट्रांसफर करे उसको शेयर करे, वो भी इक्वली पनिशेबल है उसके लिए. तो लोगों को चाहिए कि इस तरह की वीडियोस को, अगर ठीक है किसी की अल्लाह ने गुना, मतलब पर्दा ही डाल, आप हेलो, कैन यू हेयर मी? या आई कैन, यस जी जी आप कंटिन्यू कर रही हो, सॉरी. तो नेट डिस्ट्रक्शन हो रही है, अगर किसी डिस्ट्रैक्शन. के, ओके ओके सॉरी, तो मैं ये कह रही थी कि अगर किसी के इस तरह का डेटा जो है वो लीक हो जाता है, तो लेट हर गो टू द कोर्ट और ऑथराइज, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज उनके पास जाए रिड्रेसल के लिए. बट कभी भी आप इस चीज को मजाक ना बनाए, और आपके लिए इंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए ये चीज, क्योंकि देखिए डिवाइस तो कभी भी रिलायबल नहीं है. मैं ये कहती हूँ कि अगर आज उसकी हो सकती है तो कल को किसी की भी हो सकती है. हो सकता है जो आज मजाक उड़ाने वाले हैं कल उनका अपना मजाक बन जाए. तो इसलिए आपको दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए. अगर किसी से गलती हो जाती है, किसी के साथ इस तरह की जाती हो गई है, तो आप कभी भी उसको मतलब अपने लिए इंटरटेनमेंट ना समझे. ठीक है, दुनिया में और बड़े काम है इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन हमारे लोगों के लिए सिर्फ एक ये इंटरटेनमेंट है. इसीलिए पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड कल ट्विटर पे रावी पीरजादा का ही चला था, और ये हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी की मेंटेलिटी को शो करते हैं. और एक और चीज देखी जाए कि मे भी उन्होंने कोई अच्छे काम किए हों, आज तक वो ट्रेंड में नहीं आए होंगे. अगर वो कोई भी, उनका क्या प्रोफेशन है, उन्होंने क्या किया होगा, वो कभी नहीं आएगा. एक ऐसी चीज जो कि लीक आउट हुई है और किसी और ने की, तो लोग जजमेंटल बन के लड़की को तो बुरा कह रहे हैं, वो उसकी पर्सनल चीजें. और यही समझाना असल मकसद है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो जो वो कर रहा है वो उसका पर्सनल मैटर है. और अगर आप दीन को लाते हैं तो वो दीनी लिहाज से बात की जाए तो हम मिसालें शेयर कर चुके हैं, और वो यही है कि अल्लाह और बंदे का मामला है. लेकिन अकॉर्डिंग जो लीक आउट कर रहा है बिल्कुल तो वो जो है, मतलब ऑब्वियसली गुनाहगार कह लें या वट एवर, जो कोर्ट की या लॉ की जबान में आप कुछ भी कहें. तो ठीक है, थैंक यू लॉ बहुत. भी, आप इन्फॉर्मेशन अगर आप दी, आप मैसेज दें हमें, कोई समराइज करें, और आप जो चाहती हैं इसके थ्रू जो मैसेज देना हमारी आवाम को. देखिए, आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन दिस इशू. आप कभी भी इस तरह की चीज अपने पास रिकॉर्ड ना रखें जो कल को आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है. ठीक है, सेकेंडली आप कभी भी किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें, चाहे आपका कितना ही कोई क्लोज पार्टनर हो. इवन हस्बैंड की मैं बात करती हूँ, लोग, कल मैंने पार्टनर का वर्ड यूज किया तो लोग ऑफेंड हो नहीं, गए. तो लोग ऑफेंड बिल्कुल हो सही गए कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनर. कहा. तो मैं हस्बैंड की बात करती हूँ. हस्बैंड भी है तो उसके ऊपर भी कभी भी आप ट्रस्ट ना करें, कभी भी ऐसी चीजें शेयर ना करें कल को जो एम्बैरेसमेंट का बाइस बन जाती है, बन सकती है. बट इन केस अनलकीली अगर आप हरासमेंट के विक्टिम बन जाते हैं, बजाय इससे कि आप सुसाइड की तरफ जाओ, सोसाइटी से कट ऑफ कर दो, आपको फाइट करना चाहिए. ठीक है, अगर आपका डेटा लीक हो गया है तो आप कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनके पास जाए, FIA है, आप FIA में जाके कंप्लेंट लॉन्च करें, और उसके बाद उनको आप प्रोसीड करें केस को, तो आपको रिलीफ मिलता है. मैंने बहुत से केसेस में ऐसे देखा भी जिसमें फीमेल्स की पिक्चर्स को उनकी अथॉरिटी के बगैर शेयर किया गया, उनके उनको चोर पिक्चर्स को चोरी करके वो कहीं और डाली गई, सारा कुछ.
तो उसके ऊपर भी मैंने लोगों को पनिशमेंट होते देखी है. मैंने फीमेल को पनिशमेंट होते नहीं देखा जी, कि उस फीमेल ने अपनी ऐसी पिक्चर्स क्यों बनाई थी, बल्कि जिस बंदे ने पिक्चर्स को शेयर किया किया था उस बंदे को जो था वो कोर्ट ने, लॉ ने पनिश उसको मतलब पनिशमेंट दी, बट उस फीमेल को नहीं दी. तो हमारी सोसाइटी को माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. और इन केस अगर आपके साथ कोई ऐसा इशू है तो आप अच्छे से लॉयर को कंसल्ट करें, क्योंकि अगर आप खुद करेंगे तो देखिए आम बंदे को टेक्निकलिटीज का नहीं पता. लोगों को लगता है कि जी हमने FIA में कंप्लेंट फाइल कर दी तो हमारा मसला हल हो जाएगा, ऐसा नहीं है. ये प्रॉपर केस होता है, तो आप अच्छे से लॉयर के पास जाएं, अपना केस उसको बताएं, और लॉयर्स आपकी हेल्प के लिए होते हैं, ठीक है? तो वो आपके मसले को जरूर हल करेंगे, बट आपको सबसे पहले खुद आपको स्टैंड लेना है. कोई भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा जब तक आप खुद अपने लिए नहीं उठेंगे और अपने मतलब इस चीज से फाइट नहीं करेंगे. तो बी स्ट्रॉन्ग, अगर किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप जाएं और जाके कंसर्न अथॉरिटीज को बताएं, आपको इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा. मैंने रिलीफ मिलते देखा भी है लोगों को. अच्छा, अगर अभी बाद में देखेंगे रिकॉर्डेड, और कभी किसी को अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो पहले तो आप बताएं कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग इन दिस, मींस यू आर इन दिस फील्ड, कितने टाइम से आप इस फील्ड में हैं, यानी लॉयर जो है आपको कितने साल हो गए इस प्रोफेशनल वे में. और दूसरी बात, किसी को आपसे कॉन्टेक्ट करना हो तो आपका कोई फेसबुक पेज है, ये किस तरीके से आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? मुझे 4 इयर्स हो गए, मैंने अपना लॉ जो था वो 2015 में कंप्लीट किया, और उसके बाद मैं हरासमेंट केसेस से ही डील करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने केसेस को विन भी किया है. साइबर हरासमेंट की अगर बात करते हैं उसमें मैंने किया, सेक्सुअल हरासमेंट जो बच्चों को फेस करनी पड़ती है उसके केसेस हैं मेरे पास, साइबर हरासमेंट के केसेस हैं मेरे पास. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आई हैव वास्ट एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, और आई बिलीव कि आई एम द ओनली फीमेल लॉयर जो हरासमेंट केसेस के ऊपर बात करती है. और बाकी अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहे तो मेरा फेसबुक पेज भी है, एडवोकेट फातिमा तजारा भट्ट के नाम से है. उसके अलावा मेरी फेसबुक आईडी भी है. मुझे लोग मोस्टली लोग जो है वो फेसबुक के थ्रू ही कांटेक्ट करते हैं. मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं मोस्टली वो मुझे सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच करते हैं. तो ये दोनों वे से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. और अगर आपको एडवाइस चाहिए तो मैं एडवाइस वगैरह भी देती हूँ आपको, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें तो इनशाला आई विल रिस्पॉन्ड यू बैक. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला और इतनी अच्छी बातें, इतनी इन्फॉर्मेशन दी, काफ़ी अवेयरनेस दी. उम्मीद है कि देखने वालों को समझ आई होंगी, डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्या चीज़ है जो आजकल प्रॉब्लम है सोसाइटी के प्रेशर से जजमेंटल बन जाते हैं हम. तो मेरी बहुत दुआएं हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अल्लाह आपको बहुत कामयाबियां दें, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे किसी और टॉपिक पे बात होगी, तो अभी के लिए ये शो काफी है. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू, बाय बाय. अल्लाह हाफिज.